शुरू करेंगे क्लास 9 एमयू जामिया एंड बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। कोई टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बुक की, ठीक है। तो देखिए बुक, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। इसके अलावा अगर आप साइड बुक रेफर करते हैं तो आरडी शर्मा और प्रदीप कैसी सिन्हा, या तो एक बुक आती है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज के नाम से जो तिरशन का है, ठीक है, ये बुक रेफर करनी है अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो कम से कम आप आरडी शर्मा रेफर करें, ठीक है, या आरडी शर्मा भी ना हो तो आरएस अग्रवाल को करें, लेकिन करें, एक साइड बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी जो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। जितनी थ्योरी को आप मजबूत से, या तो कह सकते हैं कंसेप्ट से आप थ्योरी को पढ़ेंगे, उतना आपके लिए इजी होगा कंपटीशन को ब्रेक करना, ठीक है, या तो कह सकते हैं कि क्वालिफाई करना, ठीक है। उसके बाद में जब आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो खुद ब खुद न्यूमेरिकल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को लगाना एक अलग बात है और कंसेप्ट लेना एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे आप एक अकेले नहीं बैठोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। ये स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, चलो कि कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लिए, कुछ चैप्टर टीचर ने कहा कि चलो यहाँ तक कि आएंगे, सिलेबस आपने जहाँ तक हो सके जितना उन्होंने कहा उतना आपने कवर किया, और जो एग्ज़ाम में नहीं आया उसको आपने टच ही नहीं किया। तो ऐसे ही नहीं होता है, आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, ठीक है, और सबसे पहले आपको जहाँ तक हो सके एक बार तो पूरी बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपको रिवीजन करनी है। और मान लीजिए 15 या 16 चैप्टर है तो मिनिमम 12, 13, 14 तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर एक दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो खैर कोई बात नहीं है, 16 चैप्टर में आपका 12 चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और 4 उसको भी कोशिश करो कि स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला टॉपिक है अपना रेशनल नंबर, ठीक है। तो जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर उसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सके, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या 1 रेशनल नंबर है, तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यस ये रेशनल नंबर है। 2 की बात करें, रेशनल नंबर है, ठीक है, क्यों तो हम 1 मान सकते हैं ना। और अगर हम रूट 2 की बात करें तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है रेशनल नंबर, ठीक है। और 0 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है, ठीक है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। वही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सके, ठीक है। और पी और क्यू एक इंटीजर है, जहाँ पे क्यू कभी भी 0 नहीं होगा उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, याद रहे 0 कभी भी, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रेशनल नंबर पे, ठीक है। हम 0 लेवल की क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो फर्स्ट लॉ है अपना कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ, आइए देखते हैं। इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी 2 रेशनल नंबर देन, यदि a by b और c by d कोई 2 रेशनल नंबर है,
तो हम उसे लिख सकते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे जैसे 2/3 प्लस 4/5, ठीक है, इक्वल टू 4/5 प्लस 2/3, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। नाउ नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहते हैं कि यदि हम तीन रेशनल नंबर को एक्सप्रेस्ड करना चाहें, या तो कह सकते हैं कि उसे हम लिखना चाहें, ऐड करना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी, या तो हम क्या करेंगे कि दो रेशनल नंबर को ऐड कर लेंगे और जो फर्स्ट रेशनल नंबर उसे छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे कि कंबाइन करके उसे हम लिख लेंगे सेपरेट करके, और फर्स्ट जो रेशनल नंबर उसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद में फिर हम फर्स्ट रेशनल नंबर सेकेंड रेशनल नंबर को कंबाइन कर लेंगे और थर्ड रेशनल नंबर को छोड़ देंगे, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इफ़ ए बाई बी कॉमा सी बाई डी एंड ई बाई एफ एनी थ्री रेशनल नंबर, देन ए बाई बी प्लस, क्या किया इन्होंने, सी बाई डी को और ई बाई एफ को कंबाइन कर लिया, ठीक है, एक सेपरेट फॉर्म में लिखा इन्होंने, इक्वल टू में फिर कह रहा है कि a बाई बी और c बाई डी को भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू हम सॉरी प्लस e बाई एफ को हम अलग रखेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल देखें तो 2/3 प्लस 4/5 और 7/3, ठीक है, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, यानी सेपरेट करके लिख लिया हमने, ठीक है, और 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/3, ठीक है, ऐसे हमने इसे लिख दिया। अब सुनो, जब एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे और ऐड करोगे तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड लॉ है अपना एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसे हम जीरो भी कहते हैं। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज, ठीक है, कोई भी हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर, जो दूसरे रेशनल नंबर क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो, उसको हम लिख सकते हैं, जीरो खुद का रेशनल नंबर है, याद रखना, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं a बाई बी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस a बाई बी, ये आपस में दोनों बराबर होगा। देखो एडिशन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे, एडिशन में अगर आगे पीछे हम करके लिखे ना, सेपरेट करके ऐड करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉ आपको आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ एक बात और करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट है कि ज़ीरो को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें ज़ीरो मिलता है, बट अगर वन को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है, और वन को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो मिलता है, ठीक है, ये थ्री टर्म को आपको याद रखनी है, ठीक है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं ये बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करनी तो कॉपी कर लीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं एडिशन प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व -5/9 एंड -17/9, ठीक है। तो सॉल्यूशन -5/9 प्लस -17/9, ठीक है, -5/9 प्लस माइनस माइनस 17/9, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 9, ठीक है, -5 और -17, इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -22/9, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करो आप लोग,
सेकेंड क्वेश्चन है आपका फाइंड, ठीक है, फाइंड 7/-26 +16/39, ठीक है। इसको ऑप्शन देता हूँ मैं, ए में है -11/78 और बी है आपका ऑप्शन 13/78 और सी आपका ऑप्शन है 11/78, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका -13/78, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 39 और 26 का 78, ठीक है, 78, ठीक है। अब देखो 26 थ्री ज़ा 78 होता है, ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 21 ये माइनस है, मैंने नोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया प्लस, ठीक है। 39 टू ज़ा 78 और 16 टू ज़ा 32, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/78। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की, ठीक है, तो सॉल्व या तो सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई, ठीक है, 4/3 +3/5 +-2/3 +-11/5, इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ए में ऑप्शन है आपका -14/5 और बी में आपका ऑप्शन है 14/15, ये 15 है, और सी में आपका ऑप्शन है 12/15 और डी है आपका ऑप्शन 13/15, ठीक है, शुरू हो जाओ। ठीक है, करवाऊँ मैं, चलो देखो इसको दो तरीका है करने का, क्या है, डायरेक्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लो, ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए बार बार रिपीट किया है, डिनोमिनेटर में देखे तो 3 5 3 5 3 5 है, आने की एलसीएम आने वाला कितना है अपना, तो एलसीएम आने वाला है अपना 15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 टेंस में 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये 20 +5 3 ज़ा 15, 3 3 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, राइट, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 11 3 ज़ा 33, ठीक है, और प्लस वाले को एक साथ में जोड़ लें, माइनस वाले को एक साथ में जोड़ लें, तो इसको ऐड करेंगे तो 29, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 43/15, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 13 में 9 4, ठीक है, और 3 में 2 1, माइनस साइन रहेगा क्योंकि -43 बड़ी है, अगर देखा जाए तो बड़ी तो एक्चुअल में नहीं है लेकिन बड़ी है, जी जो बड़ा होता है उसी के साइन लिखा जाता है, यानी जो वैल्यू बड़े होते हैं उसी के साइन लिखे जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15, कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट है देखें, अच्छा 14 आ रहा है, क्या मिस्टेक है क्या, नहीं सही है, तो ए अपना करेक्ट है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है, जीरो लेवल से हमने शुरू की है, एक क्वेश्चन है 4, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -1, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, अच्छा इसको ऑप्शन तो लिख दो, ए में आपका ऑप्शन है 0, बी में ऑप्शन है आपका -1, सी में आपका ऑप्शन है 1.2 और डी में ऑप्शन है ऑल, ठीक है,
क्या करोगे? तो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करा है, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो, ठीक है। अब सुनो, माइनस थ्री और वन, ठीक है। तो वन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक, माइनस थ्री यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। माइनस थ्री और वन नहीं लेनी है, मैंने इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जान करके लगाया, ठीक है, ज़रूरी नहीं था लेकिन मैं लगाया हूँ, ठीक। जब मैं इंटीजर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा कि इसमें किस किस टाइप से इंटीजर में मतलब पूरा नंबर आता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद में जीरो इंटीजर, सारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो माइनस वन, माइनस टू, इसके अंदर में लेना है, ठीक है। माइनस थ्री और वन को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड रखना है, यानी कह सकते एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो क्या क्या नंबर होगा? तो देखिए, ज़ीरो बिल्कुल होगा, वन माइनस वन बिल्कुल होगा, माइनस टू बिल्कुल होगा, और टू और वन के बीच में तो होगा माइनस वन पॉइंट फाइव, ठीक है, माइनस वन पॉइंट फाइव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर माइनस थ्री और वन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, आज यहीं रखेंगे।